किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले रीपर सिस्टम के बारे में कि एक दिन में यह कितनी कटाई कर सकता है, कमर्शियली यह कितना सक्सेस है और इसे लगाने के लिए क्या खर्चे आते हैं, और जब आप लोग इससे कटाई करने जाते हैं तो आप लोगों को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसके साथ साथ इसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्या और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान YouTube चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे खेतीबाड़ी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारियां आप लोगों को समय समय पे मिलती रहें। किसान भाइयों, आप लोगों को हम बता दें कि ये जो रीपर आप लोग देख रहे हैं, इसे हम दो खेतों में टेस्ट किए हैं। जिस खेत में आप मौजूदा समय में देख रहे हैं, यहाँ पर जो गेहूं के पौधे हैं ये काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कैसे चल रहा है। और इसके साथ साथ जो छोटे पौधे काफ़ी होते हैं, वहाँ पर भी हम आप लोगों को चला करके दिखाएंगे कि जब गेहूं के पौधे काफ़ी छोटे होते हैं तब की परिस्थिति में जो इसका परफॉर्मेंस होता है ये कैसा होता है। आपको बताते चले कि अगर आप ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लगवा रहे हैं रीपर सिस्टम, तो यह जो खर्चा आता है इसका लगभग 50,000 के आसपास आ जाता है। और यह जो रीपर सिस्टम लगता है, ट्रैक्टर के पीछे भी लगता है और ट्रैक्टर के आगे की तरफ भी लगता है। लेकिन अगर आप लोग ट्रैक्टर के आगे की तरफ लगा रहे हैं तो ये जो सिस्टम होता है लगभग महंगा पड़ जाता है पीछे की अपेक्षा। तो ऐसे में जो ज़्यादातर किसान होते हैं, जो छोटे किसान हैं, वह सामान्यतः प्रेफर करते हैं पीछे की तरफ लगवाना। और अगर पीछे आप लगवा रहे हैं तो थोड़ा जो आपका ट्रैक्टर होता है उसे बैक गियर पे चलाना पड़ता है, और वहीं पर अगर आप लोग जो है आगे लगवाते हैं तो आपको फ्रंट गियर के साथ काम करना होता है। फ्रंट गियर के साथ काम करना थोड़ा आसान होता है, वहीं पर जो बैक गियर के साथ अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हो गया आपका आगे और पीछे लगाने का। अब जो ये रीपर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ रीपर है, बाइंडर नहीं है। अगर यह बाइंडर भी होता तो जो गेहूं यह काट रहा है, इसके साथ साथ यह बांधते भी चलता उसको एक गट्ठर के रूप में, लेकिन यह सिर्फ रीपर है तो यह सिर्फ काटता है। अब बात आती है कि यह जो गेहूं काटता है कितने नीचे से काटता है, क्योंकि गेहूं की कटाई वही लोग करते हैं जिनको भूसे की आवश्यकता होती है। आप यहां एक खेत के बगल में देख रहे हैं कि जो हाथ से काटा गया खेत है, और वहीं पर दूसरी तरफ ये जो ट्रैक्टर कटाई कर रहा है यह रीपर से काटा जा रहा है। तो ऐसे में आती है बात कि यह कितनी ऊंचाई से करता है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग हाथ से जितना नीचे से कटाई करते हैं उतना ही नीचे से यह भी कटाई करता है, क्योंकि इसके जो पत्तियां लगी हुई हैं आपको ऊपर दिखती हैं, लेकिन इसके जो ब्लेड लगे होते हैं एकदम जमीन से चपक करके चलते हैं, जिससे एकदम नज़दीक से वह काटते हैं। अब कई किसान भाइयों का ये प्रश्न होगा कि एक दिन में हम लोग कितनी कटाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग सामान्य तरीके से चलाते हैं तो आप लोग आराम से एक दिन में 10 एकड़ बड़े ही आराम से कटाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर के चलाएंगे तो 10 एकड़ से ऊपर लगभग 15-20 भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस जो परफॉर्मेंस है ये बेस्ट देनी पड़ेगी। कुछ किसान भाई इस तरीके के रीपर जो है अपने निजी उपयोग के लिए लेते हैं, जिनके पास काफी बड़े खेत होते हैं और उनका जो बजट होता है ये कम होता है, तो ऐसे में उनके लिए तो ये काफी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और काफी किसान जो होते हैं उसे लेते हैं इसे कमर्शियली यूज के लिए, जिससे अपने भी खेतों की वह कटाई कर सके और इसके साथ साथ जो अन्य किसान होते हैं उनकी भी कटाई करके कुछ रुपए अर्न कर सके। तो देखिए, अगर आप लेते हैं इसे अपने यूज के लिए और कमर्शियल यूज के लिए भी, तो सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या देखने को मिलती है कि जैसे आपका जो ट्रैक्टर है इसकी कटाई तो कर देता है, ऐसे में उसे बांधने के लिए अगर आप साथ में कुछ लेबर भी अपने ट्रैक्टर पे रखते हैं, कि जैसे आप जो खेत की कटाई किए हुए हैं और वहाँ पर जो आपके लेबर रहेंगे वो साथ में बांध भी देते हैं, तो ये हो सकता है। या आप रीपर के साथ बाइंडर भी ले सकते हैं, लेकिन जो रीपर प्लस बाइंडर आता है वह इतने अच्छे से बधाई नहीं करता है, या वह इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर आप इसको भी लेते हैं, साथ में बधाई करने वाले को रखते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि जिस किसान का खेत काटा जाएगा, कट भी गया प्लस बधाई भी हो गई, तो ऐसे में वह किसान प्रेफर करेगा इससे कटवाने के लिए। नहीं तो जिस किसान का आप खेत काटते हैं उसे अलग से लेबर रखनी पड़ती है बधाई के लिए, या जो छोटे किसान होते हैं वह खुद भी बांध लेते हैं।
तो अगर आप लोग इसे कमर्शियली यूज के लिए ले रहे हैं तो रीपर प्लस बाइंडर भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह सक्सेस मार्केट में नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हैं सिर्फ रीपर को, तो इससे आप लोग गेहूं की कटाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा लेबर दे करके बधाई भी करवा सकते हैं, जिससे काफ़ी किसान आप की तरफ आकर्षित होंगे इससे कटवाने के लिए। अगर आप लोग इसे कमर्शियली यूज के लिए लेना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप लोग अगर फ्रंट वाले सिस्टम के साथ जा रहे हैं तो आपको चलाने में भी आसानी होगी और जो आपका परफॉर्मेंस है ये बढ़ा हुआ भी मिलेगा। लेकिन अगर छोटे स्तर पे है तो पीछे भी वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अगर इसका आप लोग उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करते समय आने वाली जो समस्याएं होती हैं ये कौन सी होती है। देखिए, अगर आपका गेहूं गिरा हुआ भी है तो ऐसी परिस्थिति में ये काट देता है, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ बालियाँ टूट जाती हैं क्योंकि पौधा जो है ये काफ़ी छोटा हो जाता है। फिर भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि जो लेबर होती है ये भी गिरे हुए गेहूं को काटने के लिए नहीं मिल पाती है। और अगर आप लोग ऐसे खेत में इसका प्रयोग कर रहे हैं जहां पर जिस खेत में मेड़ ज्यादा बनी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो चालक होता है उसे समस्या आती है कि बार बार जो आपका रीपर है इसे उठाना और गिराना पड़ता है, तो वहां पर जो परफॉर्मेंस होती है इसकी कम हो जाती है। बाकी रही बात एकदम किनारे की, तो वो भी कट जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसके साथ साथ कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यह हाथ से काटा गया गेहूं नहीं है, तो जो इसकी नीचे से कटाई होती है काफ़ी अच्छी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी किसान इस वजह से नहीं कटवाना चाहते हैं कि जो उन्हें लेबर है फिर अलग से लगानी पड़ेगी कि फिर इसे बांधना है। किसान भाइयों, हम आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि इसे हम दो खेतों में टेस्ट करने वाले हैं, तो ये जो खेत है हमारा बड़े पौधों वाला है, अभी जो हमारा दूसरा खेत है वहाँ पर जो गेहूं होते हैं ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये एक ऐसा खेत होता है जहाँ पर जो मिट्टी होती है ये काफ़ी कम उपजाऊ होती है, जिससे लोग सामान्यतया ना से अच्छा कुछ ही सही वाले सिद्धांत पर काम करते हुए गेहूं की खेती करते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो गेहूं है इसके पौधे काफ़ी छोटे हैं, और यहां पर जो इस ट्रैक्टर से कटाई हो रही है, यहां पर जो कटाई होती है ये जो हाथ से काटा गया होता है, जो बगल वाला खेत आप लोग देख रहे हैं आगे है वहाँ पर हाथ से काटा गया है, तो लोग ऊपर से काटते हैं। लेकिन ऐसे खेतों में जो इसकी कटाई होती है हाथ से नीचे से कटता है, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ढेले होते हैं तो लोग ऊपर से ही काट देते हैं, लेकिन ये जो होता है एकदम नीचे से एक किनारे से काटता चला जाता है। तो अगर आपके पौधे छोटे भी हैं तो आप लोग वहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये जो हमारा खेत है ये ताल वाला खेत है और यहाँ पर जो इसके ढेले होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने यहाँ देखा कि जो गेहूं के बड़े पौधे होते हैं वहाँ पर भी इसकी जो कटाई करते हुए परफॉर्मेंस है हम आप लोगों को दिखाए, और जो छोटे पौधे हैं वहाँ पर भी इसकी कटाई करते हुए हम परफॉर्मेंस दिखाए कि अगर आपके गेहूं का पौधा एकदम छोटा है तो ऐसी परिस्थिति में भी यह आराम से कटाई कर सकता है, अगर आपके गिरे हुए गेहूँ हैं तब भी वहाँ पर कटाई हो जाएगी, क्योंकि जब इतने छोटे पौधों को यह कटाई करके हटा दे रहा है तो जो गिरे हुए हैं उन्हें भी कवर कर लेगा। अब बात आती है कि क्या इसकी सहायता से हम अन्य फसलों की भी कटाई कर सकते हैं, तो हाँ, लगभग 5-6 फीट तक की जो भी फसलें होती हैं आप उनकी आराम से कटाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपका धान है, गेहूं है, चारा है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं उनकी कटाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस यंत्र को ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह गेहूं या धान ही काटेगा, आपकी चारा या अन्य जो फसलें होती हैं उनकी भी कटाई कर सकता है। आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए, अब कुछ प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं कि जैसे जो भी किसान भाई होते हैं अगर वह लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपके जो जवाब होते हैं उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं इसको लेने के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके इसकी जो कमियां हैं वह बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इसको उपयोग करते समय क्या कमियां आ रही हैं, लोग किस वजह से नहीं कटाई कर रहे हैं, या आपके क्षेत्र में इसका जो परफॉर्मेंस है ये किस प्रकार का है, लोग कटाई कर रहे हैं या नहीं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके इसका जवाब दे सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।